हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते पुंडरी हलके से पूर्व विधायक प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। मैंने आजाद कैंडिडेट के रूप में अप्लाई किया। तो सर कितना समर्थन आपको मिल रहा है, चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी है सर? समर्थन तो पहले से भी बहुत है और अब तो और ज्यादा है। मैं पहले ही आजाद विधायक यहाँ से रहा हूँ और इस बार फिर से इन्हीं कारणों से फिर से आजाद कैंडिडेट के रूप में मैंने पाला। सर आपने भाजपा को समर्थन दिया था और आप टिकटार थे और टिकट के नजदीक भी थे, अचानक टिकट कटना क्या मानते हो? ये तो पार्टी ने देखा था ना जी, पार्टी ने तो विश्वास दिलाया हुआ था कि टिकट मिलेगा, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे और हमें पूरा विश्वास था कि हमें टिकट मिलेगा। कौशिक साहब, जीत को लेकर क्या उम्मीद है? पूरी तरह से उम्मीद है और हमारे हल्के के लोगों का प्यार और स्नेह हमारे साथ है जो हमेशा से पहले भी रहा है और आगे भी। कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, क्या निर्णय लिया गया आजाद कैंडिडेट बनने? उसके हमने निर्णय लिया है, हम सबका यही था कि आजाद कैंडिडेट के रूप में फार्म भरा जाए और इलेक्शन लड़ा जाए। तो क्या चुनौती क्या समझते हैं, किससे हम? वो तो अभी समय आने पे पता चलेगा क्योंकि सभी लोग अपने जो सामने हैं, अभी तो फार्म भी नहीं भरे हैं, एक दिन तक सारा पता चल जाएगा। तो जीत को लेके क्या? एक मिनट, उसको लोग बताएंगे, मैं तो अपने लिए आश्वस्त हूँ। सर जैसे आपने मेरे लिए बताया तो सीएम साहब का कोई ऐसा कोई मैसेज आया होगा? नहीं, मेरे पास। अर्थ प्रकाश के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।